साल 2022 ने दुनिया के मंच पर भारत को एक मजबूत स्थान दिलवाया है। चाहे सैन्य हथियारों का मोर्चा हो, चाहे देश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, या फिर भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न हो, हर मामले में साल 2022 भारत को एक स्वर्णिम अतीत देकर गया है। और साल 2023 में भी भारत ही दुनिया के अंदर चमकता हुआ सितारा बना रहेगा। आखिर क्या है मोदी का ये विकास पथ जो दुनिया में भारत का गौरव पथ बन गया है, दिखाते हैं आपको। इसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। अटकाना, लटकाना, भटकाना, वो समय चला गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साल 2022 में भारत का नाम सबसे ऊंचा रहा और भारत के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाने में भी हिंदुस्तान का नाम दुनिया में सबसे ऊंचा रहा। चीन के बीजिंग से ब्रिटेन तक और मॉस्को से वॉशिंगटन तक, जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं कोरोना और युद्ध के झटके खाकर बदहाल हो रही हैं, तमाम चुनौतियों के बाद भारत बेहतर विकास दर के साथ पूरे साल पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की रोशनी बना रहा और पूरे साल इन आशाओं, उम्मीदों और 140 करोड़ सपनों के केंद्र में सिर्फ एक नाम रहा। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें, समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान पर भारत आगे बढ़ रहा है। जल, थल, नभ और इंटरनेट, समंदर में युद्धपोत से लेकर एक्सप्रेस वे तक, और देश के आम नागरिकों के लिए उड़ान से लेकर मोबाइल की 5G स्पीड तक, कनेक्टिविटी और संचार के क्षेत्र में साल 2022 ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। अक्टूबर 2016 में भारत सरकार ने उड़ान योजना शुरू की थी। इस योजना का थीम है उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना के तहत सरकार ने लक्ष्य रखा देश के उन इलाकों को हवाई मार्ग से जोड़ने का जहां पर एयर कनेक्टिविटी नहीं है। उड़ान के तहत साल 2022 में हवाई यात्रा के 50 नए रूट शुरू किए गए हैं। उड़ान 4.2 और उड़ान 4.3 के तहत 140 नए हवाई मार्ग प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री का लक्ष्य कि सिर्फ महानगरों के ही नहीं बल्कि छोटे शहरों के लोगों को भी हवाई यात्राओं का मौका मिले। साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नए हवाई अड्डे देश को समर्पित किए हैं। मिसाल के तौर पर जुलाई 2022 में झारखंड के देवघर में प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया ताकि बाबा बैजनाथ धाम के लिए एयर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाए और श्रद्धालुओं को यात्रा का एक और माध्यम मिले। आपको याद होगा, पहले योजना की घोषणाएं होती थी, फिर एक दो सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था। दो चार सरकारें चलने के बाद कोई और आता, फिर वो ईंट लगाना शुरू करता था।
और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी, आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी एक नया एयरपोर्ट देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी देश से संवाद करते हुए ये कहा कि अब सरकार चुनाव जीतने के लिए सिर्फ पत्थर नहीं लगाती बल्कि समय पर काम पूरा करती है। 2019 मई में चुनाव आने वाले थे, ये जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर होते हैं जिनकी आंखों पर पुराने जमाने के चश्मे टंगे हुए हैं, इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट कुछ बनने वाला नहीं है, ये तो चुनाव है ना, इसलिए मोदी यहां पत्थर खड़ा करने आ गया है। हर चीज के अंदर किसी भी अच्छे काम को चुनाव के रंग से रंग देने की फैशन हो गई है। इन सब लोगों को आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन एक करारा जवाब है, उनके मुंह पे तमाचा है। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड का दौरा किया और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देश को समर्पित किया। 296 किलोमीटर के इस फोर लेन एक्सप्रेसवे को बनाने में 14,850 करोड़ रुपए का खर्च आया। साल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के जो काम शुरू हुए उनमें बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों को भी उतनी ही प्राथमिकता दी गई है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजर रहा। रेल सुविधाओं की बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत की रेल स्पीड में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत ने वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की। 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था और 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से सफर तय कर सकती है। साल 2022 के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री ने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया। हालांकि अपनी मां के निधन की वजह से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल नहीं जा सके और उनको ये कार्यक्रम वर्चुअली करना पड़ा। साथ ही प्रधानमंत्री ने झोका तारातला मेट्रो रेल रूट का भी उद्घाटन किया। ये मेट्रो रूट 6.5 किलोमीटर लंबा है और इसमें 6 स्टेशन बनाए गए हैं जिस पर 2,475 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए भी 355 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरों के अंदर भी लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए मेट्रो सुविधाओं को बढ़ाया गया है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। शहर शहर देश के आम नागरिकों से लेकर सीमा पर देश के जवानों तक कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत के लिए साल 2022 स्वर्णिम वर्ष रहा। अगर सिर्फ तवांग की ही बात करें तो 60 से ज्यादा सड़क परियोजनाओं पर काम जारी है। साथ ही 36वां राफेल भी इसी साल भारत पहुंच चुका है। अग्निपथ योजना की शुरुआत हो गई है लेकिन साल की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का नौसेना में शामिल होना रहा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं मौजूद रहे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
100 men guard of honor marching in with the Indian Naval Band in Leeds playing the tunes of Vikrant. इस गार्ड ऑफ ऑनर के समय निरीक्षण करते हुए और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने औपनिवेशिक अतीत से अलग नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया। दुनिया भले ही अर्थव्यवस्था की बदहाली के दौर से गुजर रही है लेकिन साल 2022 भी भारत के विकास गाथा में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और साल 2023 भारत को और मजबूत बनाने जा रहा है।